हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी, मटन पालक दाल। चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। मैंने लिया है आधा किलो गोश्त, आधा किलो मटन। मैंने इसे 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं इसे बॉईल करने वाली हूँ। इसे मैं कुकर में ऐड करूँगी, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और 1 चम्मच हल्दी ऐड करूँगी। नमक और हल्दी को मैं मटन पे अच्छी तरह से लगा लूँगी। अच्छी तरह से लग जाने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करने वाली हूँ। पानी आप मटन की क्वांटिटी के हिसाब से लीजिए फ्रेंड्स। मैंने आधा किलो मटन लिया है, इसीलिए मैं इसमें 1.5 ग्लास जितना पानी ऐड करने वाली हूँ। पानी ऐड करने के बाद मैं कुकर बंद कर दूँगी और इसे 5 से 7 सीटी के लिए रख लूँगी। अब मैंने दाल ली है, मैंने मसूर की दाल और मूंग की दाल दोनों सेम क्वांटिटी की ली है। अगर आप आधा कप मसूर ले रहे हैं तो आधा कप मूंग लीजिए। अब मैं इसे भी 3 से 4 बार अच्छे से धो लूँगी, अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी ताकि इसका सारा मैल वाला पानी निकल जाए। चार बार मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैंने पालक ली है फ्रेंड्स, पालक मैंने छोटी छोटी काट ली है। ये का तकरीबन 1 बाउल जितनी पालक है। इसके साथ मैंने मसाला पाउडर में लिया है अदरक लहसुन पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। खड़े मसालों में मैंने लिया है 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, तेज़पत्ते, लौंग, स्टार अनीस के टुकड़े और दालचीनी के 2 टुकड़े। साथ ही मैंने प्याज काट लिया है, टमाटर काट लिया है और थोड़ा सा धनिया लिया है, हरा धनिया। अब मैं कढ़ाई में 1 बड़ा टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल के थोड़े गर्म होते ही मैं इसमें सारे खड़े मसाले डाल लूँगी। खड़े मसालों को मैं थोड़ा सा हल्का सा भून लूँगी 15 to 30 seconds के लिए। जैसे ये हल्के से फ्राई होंगे इसमें से बहुत अच्छा अरोमा आएगा। अब मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो मैं इसमें प्याज ऐड कर लूँगी। प्याज ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ ताकि प्याज जल्दी ही पक जाए। नमक ऐड करके एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और फिर लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकने के लिए रख लूँगी। प्याज जल्दी फ्राई हो जाए इसीलिए मैं इसे ढककर रख रही हूँ। अब मैंने जो कुकर में मटन रखा था मैं वो चेक कर रही हूँ कि मटन पक गया है या नहीं। फ्रेंड्स, जब आप कुकर का ढक्कन खोले तो प्लीज़ ध्यान दें कि पूरा ड्री प्रेशराइज होने के बाद ही आप ढक्कन खोले।
अब मैं एक चाकू लेकर उसमें मटन को पोक करके चेक कर रही हूँ कि पका है या नहीं, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छे से गल गया है। अब जो प्याज मैंने भूनने के लिए रखा था मैं वो चेक कर रही हूँ। आई थिंक प्याज लाल हो चुके हैं, थोड़ा और भूनने की ज़रूरत है तो मैं इसे एक आध मिनट के लिए और भून लूँगी। प्याज को भूनने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लगता है फ्रेंड्स। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ, टमाटर मिक्स कर लूँगी एक बार अच्छे से प्याज के साथ। टमाटर गलने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता तो इसे मैं ढककर रख दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। दो से तीन मिनट के बाद टमाटर अच्छे से गल जाएंगे, मशी हो जाएंगे, और जो थोड़े बहुत टुकड़े अगर नहीं हुए होंगे तो उसे हम अच्छी तरह ऐसे चम्मच से मैश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी नॉनवेज डिश के लिए जब हम मसाला बनाते हैं तो स्पेशली नॉनवेज डिशेस के लिए मसाले को भूनना बहुत अच्छी तरह से बहुत ज़रूरी है, उसी से उसका एक्चुअल फ्लेवर एक्चुअल टेस्ट आता है। तो मेक श्योर आप मसालों को बहुत अच्छी तरह से भूनें। अब देखिए मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया है, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और अदरक लहसुन का जो एक कच्चा फ्लेवर होता है उसे जाने के लिए मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें सारे ड्राई मसाले डालूँगी, ड्राई मसाले ऐड कर लूँगी जो भी हमने लिए थे। ड्राई मसाले ऐड करने के बाद फिर से मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी, अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लूँगी पहले। ये मसाला भूनने का जो प्रोसेस होता है इससे कम से कम 10 से 15 मिनट लगता है फ्रेंड्स, तो पेशेंस रखिए। लेकिन अगर आप ये करेंगे इसी तरह से अच्छी तरह से मसालों को भूनेंगे तो आपकी डिश बहुत ही टेस्टी बनेगी। एंड अब मैं जो पालक मैंने काट कर रखी थी बारीक बारीक मैंने उसे अच्छी तरह से धो लिया था एक बार, अब मैं उस पालक को इसमें ऐड कर रही हूँ। पालक क्योंकि बहुत पालक का वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो उसके लिए हमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप अपना पानी छोड़ती है और उसी में पक जाती है। और पालक को पकने के लिए 2 से 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसे एक बार ढककर रख दूँगी, अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ एक बार मसालों के साथ और फिर से ढक दूँगी। 2 से 3 मिनट में ये पूरी तरह से गल जाएगी। देखिए मैंने ढक कर रख दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, पालक कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है, अच्छी तरह से मिक्स भी हो चुकी है और हमारे मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और अच्छी तरह से भुन गए हैं क्योंकि ये पानी तेल छोड़ रहे हैं अभी और स्टिक भी नहीं हो रहे कढ़ाई पे, तो मसाले भुन चुके हैं। अब जो मैंने मटन बॉईल करके रखा था पहले उसे मैंने डाल दिया है इसमें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी एक बार मसालों के साथ मटन को। अच्छा, और एक बात फ्रेंड्स, जो मैंने दाल आपको स्टार्ट में बताई थी, जो हमने मसूर की दाल और मूंग की दाल ली थी, उसे मैंने 3 से 4 सीटी के लिए प्रेशर कुक कर लिया था तो वो अच्छी तरह से गल चुकी है। वो भी मैंने जैसे मैंने मटन को प्रेशर कुक किया था वैसे ही दाल को भी अलग से प्रेशर कुक किया था, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। हम इसमें वो जो हमारी दाल जो हमने प्रेशर कुक करके रखी थी वो हम ऐड करने वाले हैं। तो दाल मैंने क्योंकि स्टार्ट में आपको मैं बताना भूल गई थी आपको, तो मैंने सिर्फ धो के नहीं रखी थी, उसे प्रेशर कुक कर लिया था। ये देखिए ऐसे ऐसी हो गई थी, हमने इसे थोड़ा सा घोट लिया है और अब हम इस ग्रेवी में दाल ऐड कर रहे हैं। अच्छी तरह से इसे पूरा मिक्स कर लूँगी।
अभी जो है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है, आप अपने चॉइस के हिसाब से जितना भी आपको थिकनेस चाहिए आप उसके हिसाब से इसका पानी एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे थिकनेस थोड़ी ज़्यादा लग रही है इसीलिए मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब जो है दाल अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है, ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छा कलर आया है और इसकी थिकनेस भी अब परफेक्ट है, इसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग आ रही है फ्रेंड्स। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ, आप इसे पराठे के साथ, नॉर्मल चपाती के साथ या फिर राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग डिश है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी लगती है, स्पेशली जब आपके पास आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। और प्लीज़ कमेंट में मुझे ये भी बताइए कि आपको किस टाइप की रेसिपीज़ देखनी पसंद है, मैं आपके लिए ज़रूर बनाने की ट्राई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।